आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, आपने यूट्यूब में बहुत सारे सर्च कर लिए, वाई माई कैंपेन नॉट रनिंग, हाउ टू कैंपेन रनिंग, हाउ टू गूगल एडवर्ड्स वर्क प्रॉपरली वर्क। तो फ्रेंड्स, आप अगर सारे यूट्यूब वीडियो देख लिए, हर जगह आ गए। फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ दिन पहले कैंपेन बनाया था गूगल एडवर्ड्स में, बट मैं भी आप लोग की तरह यूट्यूब में नया क्रिएटर हूँ। मेरा भी एक कैंपेन बनाया था यूट्यूब में पहले ही, जिसमें मैंने गूगल एडवर्ड्स में नया कैंपेन बनाया, बट वो रन नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं 3 4 दिन परेशान हो गया था। बट मैं आपको सही किस तरह से मेरा यूट्यूब में वो कैंपेन गूगल एडवर्ड्स का रन किया, किस तरह से मेरा इंप्रेशन आने लगा, व्यूज आने लगा, मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सही पे चाहते हैं कि आपका कैंपेन रन करे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक प्लीज़ देखिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो जरा भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ओरिजिनल चीज़ बताऊँगा कि ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है, जो कोई भी यूट्यूबर आज तक नहीं बताया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं विक्रम दत्ता हूँ, आप देख रहे हैं हमारे सिंपल टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपका कैंपेन रन करेगा, आपका कैंपेन भी चलेगा। जिस तरह से मैं परेशान हो गया था, लास्ट में मेरे को सॉल्यूशन मिला और मेरा कैंपेन रन करने लगा। मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखाता हूँ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, तो उस तरह से आप भी अपना कैंपेन रन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और ना ही वीडियो को रिमूव कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को लाइव डेमो दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो पहले तो मैं अपना गूगल क्रोम में कैंपेन खोल लेता हूँ, मैं खोल के नहीं रखा हूँ पहले से। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने भी कैंपेन में पेमेंट जोड़ दिया, पेमेंट ऐड कर दिया, उसके बाद कैंपेन अच्छे से कैंपेन बना दिया। हाँ हाँ फ्रेंड्स, और एक बात, जरूरी बात, अगर आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि कैंपेन किस तरह से लगाया जाता है, तो पहले आप, मैं आई बटन पे दे देता हूँ, आई बटन पे आप जाके देख लीजिए कि प्रॉपर तरीके से किस तरह से कैंपेन को लगाया जाता है। क्योंकि कैंपेन में प्रॉब्लम ये होती है, कैंपेन में आपके कीवर्ड्स में कहीं भी, कैंपेन के कीवर्ड्स में अगर कहीं भी आपका ब्रांड का नाम दे दे, तो आपका कैंपेन रन नहीं करेगा। दूसरी बात, आप टाइटल में कहीं ब्रांड का नाम दे दे, तो भी आपका कैंपेन रन नहीं करेगा। फ्रेंड्स, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, पहले वहाँ पर जाकर सुधारिए कैंपेन में। मेरे वीडियो देखिए, आई बटन पे जाके मेरा वीडियो देखिए, किस तरह से कैंपेन सही से बनाना चाहिए, गूगल एडवर्ड्स में अपना कैंपेन लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ आपका बाद में और क्या गलती है जो आपको ठीक करना है। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो आप अगर वहाँ पर मिस्टेक किए, तो वहाँ पर सुधार लीजिए। आप अगर टाइटल में कुछ ब्रांड ब्रांड कंपनी के नाम लगाएं, तो उसको ठीक कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन में कुछ देखने में मिलेगा कि इस तरह से मेरा कैंपेन नहीं रन किया था, मैं किस तरह से परेशान हो गया था, तो उसके बाद मेरा जाके कैंपेन रन करने लगा। इंप्रेशन मेरा 58.1K का आया है, और इसमें अभी मेरा कॉस्ट जो मैंने जोड़ा था इसमें 500, वो मेरा 500 अमाउंट इसमें ख़त्म हो गया है, जो इसमें अभी माइनस में दिखा रहा है। फ्रेंड्स, तो चलिए, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं इसमें 2 वीडियो लगाया था, एफिलिएटेड मार्केटिंग, घर बैठे कैसे कमाएं सिर्फ, और लॉकडाउन में घर बैठे पैसा कमाएं। बट बाद में प्रॉब्लम चला कि लॉकडाउन वाले जो है, उसमें मैं कीवर्ड्स में कुछ ज़्यादा ही कहीं कंपनी के नाम है, तो उसको सोचा, इसलिए मैं उस वीडियो को पॉज कर दिया और एफिलिएटेड वाले को रन करने के लिए स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, और दूसरी बात, अगर आप बहुत दिन बाद, या मान लीजिए सालों बाद, 2 साल बाद अगर अपने कैंपेन बना रहे हैं और कैंपेन गूगल एडवर्ड्स से फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, बहुत दिन बाद, सालों बाद लगा रहे हैं, तो आप अपने सीपीव्यू का जो कॉस्ट पर व्यूज़ है, जो आपका कॉस्ट पर व्यूज़ है, उसको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तब आपका, क्योंकि बहुत दिन बताने बाद, ये करने के बाद आपका कैंपेन बहुत दिन से डाउन हो जाता है, कि आपका कैंपेन में उसको, मतलब कि किसी तरह से आपका उसका फ़ायदा नहीं होता गूगल एडवर्ड्स से, जिसके कारण फर्स्ट टाइम में आपको सीपीव्यू इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा सीपीव्यू करना पड़ेगा उसको। आप मिनिमम तो मिनिमम कम से कम आपको 50% तक करना होगा, 0.50 तक करना होगा सीपीव्यू, तभी आपका वो कुछ फ़ायदा होगा, काम करेगा। फ्रेंड्स, और दूसरी बात आपको ये है कि आपका उसमें कीवर्ड्स अगर कुछ गलत नहीं है, तो उसको पॉज कर दीजिए,
उसमें आपका जो सीपीवी है, कॉस्ट पर व्यूज जो रहता है, उसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसको आप 50 कर दीजिए। उसके बाद और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसमें अगर आप न्यू कंपनी बनाए तो आप 24 आवर्स तक वेट किए। देखिए मैं पॉइंट टॉपिक पे आता हूँ फ्रेंड्स। बात यह है कि मैंने बहुत सारे ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, मैंने ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तो लास्ट में मैंने क्या किया, नेट से गूगल एडवर्ड्स का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वो कॉन्टैक्ट नंबर निकाला हूँ। मैं आपको भी मैं बता देता हूँ कि वो कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ पर मिलेगा। आप जाइए support.google.com पे, support.google.com पे आप जाइएगा तो वहाँ पर ही आप एक फॉर्म फिलअप करने का आएगा। आप पहले उसको फॉर्म को भरिए, डिटेल भरिए कि किस तरह फॉर्म, कुछ आपका नाम डिटेल नहीं भरना है, फॉर्म यही भरना होगा कि आपको किस तरह से परेशानी हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक दो स्टेप आएगा, उसके बाद आपको उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, आपको उसमें चैट भी कर सकते हैं, पर्सनली चैट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप उसको मेल भी कर सकते हैं। तीन ऑप्शन आपको कंटिन्यूसली मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो अगर 24 आवर अपने कंपनी को छोड़ दीजिए, उसको छेड़खानी मत कीजिए बार बार। अगर छेड़खानी कीजिएगा तो उसको जितने बार आप उसको चेंज करते हो उतना बार आपका रिव्यू में चल जाता है, और वो आपका 24 आवर का टाइम लेता ही लेता है अंडर रिव्यू करने के लिए। कंपनी को रिव्यू में रख के वो 24 आवर लेता ही लेता है आपका फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कंपनी को 24 आवर्स तक आप देख लें। उसके बाद अगर उसके बीच में अगर ये सब गलती किए हैं, अगर मान लीजिए कहीं ब्रांड व्रांड का नाम दिए हैं और अगर आपका नहीं रन कर रहा, तो आप उसको पहले ब्रांड कीवर्ड्स में वो किसी ब्रांड का नाम हटा दीजिए, टाइटल में ब्रांड का नाम हटा दीजिए, सीपीवी को 50 कर दीजिए, 0.50 कर दीजिए। उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो आप 24 आवर्स तक वेट कीजिए। 24 आवर्स तक वेट करने के बाद अगर आपका वो रन नहीं कर रहा तो आप उसमें support.google.com पे जाइए, वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म आएगा कि किस तरह से आपको परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको फिल कीजिए। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा देता बट कोई भी वेबसाइट को मैं यहाँ पर अगर गूगल के थ्रू दिखाऊंगा तो शायद वीडियो में मेरा कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ फ्रेंड, सॉरी। बट मैं दिखाना चाहता हूँ बट कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट आपको मैं सही से बोल दे रहा हूँ, आप जाइए support.google.com में, आपको वहाँ से आपका प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा वहाँ पर गूगल एडवर्ड्स का जो कंपनी का, और आपको वहाँ पर कॉल करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, जो आपका इजीली सॉल्यूशन कर देगा फ्रेंड्स। इससे बेटर आपका कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ आगे सीपीवी आपका कैसे चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप अगर सीपीवी चेंज करना नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि आप अपना सीपीवी वीडियो में कैसे चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए वीडियो को अगर यहाँ पर जो वीडियो में आपको ये करना चाहते हैं वहाँ पर वीडियो में चल जाइए, और यहाँ पर ऊपर में कंपेन में जो खोल दिया आप उसके बाद वीडियो में जाइए। ऊपर में देखिए मैं 100 रुपीज पर डे करके लगाया था, और ये मोर डिटेल्स में जाइएगा। मोर डिटेल्स में जाने के बाद कुछ आपका इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलने के बाद आपका यहाँ पर देखिए मैं 20 पैसा कर दिया हूँ, कमा दिया हूँ। बाद में आप उसको कमा भी सकते हैं। मैं यहाँ 20 यहाँ पर एडिट का बटन देख रहा, आप एडिट का बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा मोर डिटेल्स में जाने के बाद, सेटिंग में जाने के बाद, यहाँ पर आ गया एडिट करने के बाद। यहाँ पर देखिए 20 जैसे कहा है मेरा ये 20, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, आप इसको 50 कर लीजिए फ्रेंड्स। वहाँ से कहाँ क्लिक हो जाता है, यहाँ पर जो आपका 20 है ये, इसको 20 को आप इसको 50 चेंज कर लीजिए। आप अगर बहुत दिन बाद या न्यू कैंपेन बना रहे तो आप इसको 50 कर लीजिए फ्रेंड्स, जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी और आपका प्रॉब्लम का हल हो जाएगा फ्रेंड्स। 50 करके देखिए, 50 नहीं तो 80 करके देखिए। आप उसको 0.50 में नहीं हो रहे, 0.80 कीजिए। और पहले मैं बोलूँगा कंपनी बनाने तक आप अगर कोई मिस्टेक नहीं दे रहे, कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे और आपको नहीं रन हो रहा, तो आप 24 आवर वेट कीजिए, उसके बाद आपको रन हो जाएगा फ्रेंड्स प्लीज़। तो आई होप कि आपको या आपका ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपका इसमें मदद होगा फ्रेंड्स। अगर आप हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा और आपका कुछ भी हेल्प हुआ फ्रेंड्स, तो
वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं इसी तरह से प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेते आता हूँ यूट्यूब में, और टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाते रहते हो कि किस तरह से आप घर बैठे अर्निंग टिप्स कर सकते हैं। यूट्यूब में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि यूट्यूब का कस्टमाइजेशन सेटिंग हर तरह का प्रॉब्लम का वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो अगर चैनल पर आप नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, जय जय भारत।